मैनपुरी में नाबालिग पुत्री की बरामदगी के लिए दर दर भटक रही पीड़िता मां। कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा शिकायती पत्र। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भरतवाल से जुड़ा है। वर्तमान निवासी किरण देवी पत्नी संजय सिंह समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला उपाध्यक्ष हैं। पीड़ित किरण देवी समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं परिजनों के साथ आज कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल को नामित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री साधना उर्फ बिट्टी मोहल्ला भरतवाल स्थित प्राइवेट विद्यालय में सफाई आदि का कार्य करती थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विद्यालय के अध्यापक अंकित राठौर, पुत्र खेमचंद राठौर एवं अजय चौहान द्वारा साजिशन नाबालिग पुत्री को विद्यालय बुलाकर अगवा कर लिया गया है। बीते 22 जनवरी से पीड़िता की पुत्री गायब बनी हुई है और पुलिस ने मामले में केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज की है। 6 माह का समय बीत गया है, ना ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही की है, ना ही पीड़िता की नाबालिग पुत्री की बरामदगी पुलिस प्रयास कर रही है। पीड़िता ने मामले की शिकायत महामहिम राज्यपाल से करते हुए मामले में कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। हमारी किरण जी हैं, महिला सभा की विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, मंत्री से। इनकी बेटी 6 माह से गुम है और गुम सुदगी की रिपोर्ट कोतवाली मैनपुरी में दर्ज है, लेकिन अफसोस की बात में कई बार मैंने अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की दर्जनों बार, लेकिन इसके बाद भी इस बेचारी गरीब वो बेटी बरामद नहीं हो पाई। और आज हम लोगों ने एक सप्ताह पहले नोटिस दिया था कप्तान साहब को कि 20 तारीख तक बच्ची बरामद कर ली गया था। 21 तारीख से हम लोग महिला सभा की जिलाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में आपने नोटिस दिया, लेकिन हम लोग धरने पे बैठे हैं, जिसके लिए हम लोग बैठे। क्या ज्ञापन भी सौंपा है? हाँ, महामहिम राज्यपाल जी के लिए और कप्तान साहब के लिए ज्ञापन एडिशन साहब को, डीडी श्याम डीएम साहब को दिया। क्या मांग की है हमने? अब मेरी मांग तो केवल एक सूत्री है कि वो बच्ची, गरीब बच्ची हमारी बरामद हो। बच्ची चूँकि नाबालिग है और छोटी बच्ची है, उसको कोई बरगला करके ले गया, हमारा 13-14 साल की बच्ची है, तो कम से कम 6 महीने बीतने के बाद भी यदि बच्ची बरामद नहीं होती, निश्चित रूप से ये बड़ा प्रश्न है। जहाँ एक तरफ बहुत सरकार सबको न्याय, सबके साथ, सबके विकास की बात करती है, वहाँ पर एक दलित बेटी जो 6 महीने से विलुप्त है और यदि बरामद नहीं हो तो निश्चित रूप से सरकार और सरकार की कुरकुरी घोषणाओं के ऊपर एक बड़ा प्रश्न है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।